लुधियाना के आर के रोड च स्थित आर पी वुलन मिल की तीन मंजिला इमारत का एक हिस्सा अज सवेरे 9 बजे के दौरान ढह ढेरी हो गया, जिस तो बाद इलाके विच हड़कंप मच गया। इस तो बाद तुरंत मौके ते राहत कारज दियां टीमां पहुंचियां। हालांकि लोगों नूं तां तुरंत बाहर कढ़ लिया गया, पर इस दौरान 9 लोग जख्मी हुए, जिन्हां विचों 3 दी हालत गंभीर दसी जा रही है। इस इमारत विच बीते साल अग लगी सी, जिस तो बाद इस इमारत नूं अणसुरक्षित ऐलानिया गया सी अते कारपोरेशन वल्लों इमारत सील कीती गई सी। पर इस दे बावजूद इमारत दे अंदर लोग किवें आए अते कित्थों आए, इह इक वड्डा सवाल है जिस नूं लैके कारपोरेशन चुप है। ते पुलिस ने कहा है कि जिस दी भी गलती होगी उस खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला है जी बिल्डिंग है जी डिगी है जहाँ पुरश उपरला, ये पिछले साल मई में अग लग के सारी डिसेबल हो गई थी, कारपोरेशन सील की हुई है। अज दोपहर सवेरे यदा उपरला हिस्सा डिग पाया, नाल दे एक बेड़ा बनया जिते क्वार्टर है, घट्टो घट्ट 100 के उपर क्वार्टर है, वो उपर मलबा डिगया थोड़ा बहुत, बचा बंद का बचाया, जान नुकसान किसी का नहीं है, माली नुकसान थोड़ा बहुत होया वो असं कर रहे हैं कार्रवाई। सारे बंदे हॉस्पिटल पहुँचाते हैं? बिल्कुल जी, जो बंदे 7-8 से लगी सट्टा थोड़ी बहुत वो हस्पताल पहुँचाते हैं, कोई दबिया नहीं गया, कोई बिल्कुल ठीक ठाक है। इमारत अनसेफ सी क्योंकि अग लग के सड़ गई सी सारी। हाँ ये जी सील बारी है, कारपोरेशन कार्रवाई करेगी जो तोड़ी है या नहीं तोड़ी ये नहीं देखना है, बाकी जे अंदर बंदे रह रहे थे तो कारपोरेशन ने करेगी सील तोड़ेगा तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इलाका वासियों ने दसिया कि अज सवेरे यह हादसा होया जदों इमारत का एक हिस्सा टुट के हेठां डिग गया और इस दौरान कई लोग इसकी चपेट में आ गए। हालांकि जानी नुकसान तो जरूर बचा गया है, पर 3 लोग गंभीर जख्मी हो गए ने, जिन्होंने हस्पताल दाखिल करवाया गया। उधर इमारत में रह रहे एक परिवार ने दसिया कि वह नेपाल तो आए सन, उन्होंने इस बारे कोई जानकारी नहीं सी कि यह इमारत सील की गई है। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि कोई भी जानी नुकसान नहीं होया, सबनों सुरक्षित बचा लिया गया है, तो इमारत कारपोरेशन वालों मुड़ सील कर दी गई है। जेकर किसी की गलती होगी तो उस खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बाद अब ये सील लग गया था, हम इधर ही था, बाबू जी आए थे, गेट में तुम बैठो जब तक हम आए तब तक गेट खोल लेंगे, तो गेट के बाहर बैठ के गेट के रिक्डाउल करना, तुम चौकीदार है, जब कुछ मुझे कुछ नहीं होगा ऐसे बोला। बस गेट में रहते थे, फैमिली वाला काम करने जाती थी, बच्चे ट्यूशन लगाया था, बच्चे भी ट्यूशन जाता था, मैं बाहर ही खड़ा होता था, जो गेट के बाहर ही था। 3 बंदे इधर ही थे, जख्मी भी थे, अभी तो कोई नहीं है, अब सामान वामान सब जितना ही पड़ा हुआ है। हम 3 लोग रहे थे, चीनियों का अभी चोट तो नहीं लगा, थोड़ा हल्का फुल्का अभी लग गया, जब बाहर भी दौड़ी धूप में थोड़ा लगा, हाँ बंद हुआ था, इसीलिए मैं फैमिली को निकाल के वो काम पे थी, बच्चे को भी निकाल दिया था, मैं पता नहीं जब ये हो गया मैं बाहर निकल गया, तो हम यही बाबू जी के पास, नहीं जी ये पता नहीं था, मैं नया आदमी था, पहली बार है, 4-5 महीना हो गया, नेपाल के रहने वाले हैं। भरत शर्मा की रिपोर्ट, द समर न्यूज़, लुधियाना। वधेरी जानकारी लई लाइक करो साडे फेसबुक पेज नू, सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल नू, इंस्टाग्राम नू फॉलो करना ना भूलियो।